आनंद सेरिया और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क का मतलब क्या है कि रीढ़ की हड्डी का खिसक जाना। तो दोस्तों आज स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसका होम्योपैथिक इलाज है। तो दोस्तों स्लिप डिस्क हमारी जो वर्टीब्र कॉलम होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉलम होती है, जो वर्टीब्र कॉलम होता है उसमें दोस्तों 26 हड्डियां होती है, 26 वर्टीब्री होती है। और यह जो वर्टीब्रीज होती है यह एक कार्टिलेज नुमा डिस्क से जुड़ी हुई रहती है, जिसके जो एक डिस्क होती है दोनों हड्डियों के बीच में, उस डिस्क के कारण यह रगड़ती नहीं है, घिसती नहीं है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कभी कोई इंजूरी हो जाती है या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, आपका काम जो ऐसा है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठे रहने का है, तो उसके कारण क्या होता है, इन रीढ़ की हड्डियों पर दबाव पड़ता है और इस दबाव के कारण जो डिस्क रहती है, कार्टिलेज रहता है, वह वहाँ से खिसक जाता है, फिसल जाता है। उस फिसलने से क्या होता है कि जो दोनों रीढ़ की हड्डियाँ हैं वह घिसने लगती है और उस घिसने के कारण जो वहाँ से नर्व निकलती है, जो नसें निकलती है, वह कंप्रेस होने लगती है, जिसके कारण कमर दर्द और जो साइटिका की समस्या है वह होने लगती है। साथ में डिस्क निकल जाती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन को हम स्लिप डिस्क कहते हैं। यह ज़्यादातर बैठे रहने से, लॉन्ग सिटिंग पोजिशन में, या कोई आपको कोई बीमारी है जिसके कारण हो सकती है, या फिर इंजुरी के कारण भी यह समस्या हो सकती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि स्लिप डिस्क की समस्या को ठीक करने की क्षमता रखती है, अगर उनके लक्षण मिले तो। एलोपैथी में तो इसका इलाज दोस्तों केवल ऑपरेशन ही है, लेकिन होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर हम इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर आनंद सेरिया, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं यहां पर ऐसे ही नॉलेजेबल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वह होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि स्लिप डिस्क की समस्या को ठीक कर सकती है, अगर उनके लक्षण उन मेडिसिन से मिले तो। सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों आर्निका। दोस्तों आर्निका इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है स्लिप डिस्क के लिए। अगर किसी प्रकार की इंजुरी हो जाती है, इंजुरी होने के बाद में स्लिप डिस्क की समस्या आती है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, गर्दन और पीठ अकड़ जाती है, मसल्स अकड़ जाती है, साथ में दोस्तों इसमें ऐसा दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि कोई कुचल रहा हो, कमर में ऐसा दर्द होता है कि कोई कुचल रहा हो, किसी चीज से कुचल रहा हो, सोर लेम ब्रूइस फीलिंग आती है, ऐसा लग रहा है कि रगड़ खा गई हो, बहुत ज़्यादा दुखन होती है, बहुत तकलीफ होती है, चलने फिरने से तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन पेशेंट फिर भी चलता रहता है, फिर भी गतिशील रहता है। तो ऐसी समस्या में, ऐसे लक्षण मिलने पर आर्निका दोस्तों 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह शाम लेना है इसको 200 पोटेंसी में, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट से। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों ब्रायनिया। दोस्तों ब्रायनिया भी स्लिप डिस्क की समस्या के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें भी क्या होता है, गर्दन और कमर की मांसपेशियां अकड़ जाती है, इसके साथ में बहुत तेज दर्द होता है, और दोस्तों वह दर्द जो होता है वह हल्के से मोशन से भी, मूवमेंट से भी बढ़ जाता है। ठीक है, कमर में अगर हल्का सा भी मोशन होगा, हल्का सा भी मूवमेंट होगा, तो दोस्तों बहुत तेज दर्द होगा इसमें, आराम करने से और गर्मी से इसके दर्द में आराम हो जाता है। पेशेंट अगर रेस्ट करता है, पेशेंट अगर सिकाई करता है, या फिर बिस्तर की गर्मी से भी आराम हो जाता है, ओढ़ लेता है, अपने आप को कवर्ड कर लेता है, तो दोस्तों भी यह समस्या इसकी, इसमें आराम हो जाता है। तो ऐसी समस्या में, ऐसे सिम्टम्स में ब्रायनिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों 30 पोटेंसी में या 200 में सुबह शाम, 30 में दिन में 3 बार हम 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रस्टॉक्स। यह भी अगर चोट लग जाती है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, इसी प्रकार स्लिप डिस्क में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको ठंडी हवा लग गई है या आप भीग गए, जिसके कारण आपको कमर में दर्द होने लगा है और यह दर्द क्रोनिक हो जाता है, तो दोस्तों वहां पर बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अब यह रस्टॉक्स जो है ब्रायनिया से, इसमें थोड़े से उल्टे सिम्टम है, इसमें लगातार मोशन करने से, लगातार मूवमेंट करने से पेशेंट को आराम होता है।
जो ब्रायन होती है उसमें मूवमेंट करने से दर्द बढ़ता है, रस्टॉक्स में मूवमेंट करने से दर्द कम होता है और आराम करने से दर्द बढ़ता है। ब्रायनिया में आराम करने से दर्द कम होता है, रस्टॉक्स में आराम करने से दर्द बढ़ जाता है। यह पेशेंट लगातार आराम के लिए अपने लक्षणों में आराम के लिए कम हो जाए कुछ लक्षण उसके लिए लगातार मूवमेंट करता रहता है जिससे उसको आराम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल हम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार कर सकते हैं। डायरेक्टली टंग पर 2 बूंद लेना है या फिर दोस्तों 200 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों हम साइलिसिया को 6x पोटेंसी में टेबलेट फॉर्म में ट्राइचुरेशन फॉर्म में बायोकेमिक मेडिसिन है, 6x पोटेंसी में 6-6 गोलियां सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। यह भी दोस्तों स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल हम सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 4-6 गोलियां कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक मेडिसिन दोस्तों बताता हूं जिसका नाम है अमोनियम कार। यह जो स्लिप डिस्क होती है उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, इसको 200 पोटेंसी में सुबह शाम इन मेडिसिन के साथ में ले सकते हैं। इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ वीडियोस को लेकर, नए वीडियोस को लेकर नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बीमारी को लेकर, कुछ नई डिसीज को लेकर, कुछ नई मेडिसिन को लेकर। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।